हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के इसके चांसेस भी हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को केवल लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी। मैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन के बारे में अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगी, क्योंकि बीएससी में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग केवल लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखेंगे। टोटल यहाँ पे मैं आप लोगों को 30 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बताने वाली हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से एक भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है वो 5 से 6 साल पुराने क्वेश्चन पेपर से सेलेक्ट किए गए हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज, जिसमें हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। चलिए गाइज, सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। डी ब्रोगली समीकरण की उत्पत्ति कीजिए व इसके अनुप्रयोग समझाइए, मतलब डेराइव डी ब्रोगली इक्वेशन एंड एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन। तो याद रखिएगा, यहाँ पे मैं जितने भी टॉपिक आप लोगों को बताने वाली हूँ सबका नोट्स और वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। या फिर अगर आप प्लेलिस्ट में चेक करोगे तो बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना करके रखा हुआ है, जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट वीडियो और नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो एक बार लिंक में आप लोग चेक ज़रूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने डाल के रखा हुआ है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है डी ब्रोगली इक्वेशन, उसको देख ही लेना गाइस, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए पूछे गए हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन आपको 3 से 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन अर्थ्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। अब चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, प्रभाव की विवेचना कीजिए। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये जो सारे क्वेश्चन है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर से, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख लेना गाइस। और चलिए चौथे नंबर का क्वेश्चन बता रही हूँ, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं आपको, 1 या फिर 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अबाउ का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, अबाउ का नियम एक बार देख लेना। सेकंड नंबर में है पाउली का अपवर्जन नियम और थर्ड नंबर में है हुंड का बहुलता का नियम, मतलब हुंड्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है यूनिट 1 से। अब चलिए आगे और भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रही हूँ। 5वें नंबर का क्वेश्चन है इस यूनिट से, क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर आप लोगों को पता होना चाहिए, जो NLMS वाला जो मैं नोट्स बनाई हूँ उसको अच्छे से देख लेना। कभी कभी क्वांटम संख्या भी 3-4 नंबर के लिए आपको पूछे जा सकते हैं, क्वांटम नंबर पर एक निबंध लिखिए। तो ये सारे क्वेश्चन है गाइस आपके यूनिट 1 से। अब चलिए हम लोग और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए 6वें नंबर का क्वेश्चन आपको देखना है, VSPR थ्योरी, VSPR सिद्धांत के आधार पर SF4 अणु की ज्यामिति को समझाइए। डिस्क्राइब जियोमेट्री ऑफ SF4 मॉलिकुलर ऑन द बेसिस ऑफ VSPR थ्योरी। तो देखिए गाइस, ये जो VSEPR थ्योरी है मैंने बहुत इजी नोट्स बनाया हुआ है इसका। और एक चीज़ बता दूं, VSPR थ्योरी से रिलेटेड कोई भी मॉलिक्यूल का डायग्राम आपके एग्जाम में आ सकता है। तो VSPR थ्योरी को एक बार देख के चले जाना, VSPR थ्योरी के द्वारा कैसे आप लोग मॉलिक्यूल की संरचना बनाओगे वो आप लोग पढ़ लेना। हालांकि यहाँ पे मैं SF4 मॉलिक्यूल का बताई हूँ, बट जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में SF4 ही आए, कोई भी कोई ना कोई एक मॉलिक्यूल VSPR थ्योरी से उन लोग पूछेंगे ही पूछेंगे। तो रट लेना VSPR थ्योरी को और साथ साथ समझ भी लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है VSPR थ्योरी। अब 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, आणविक कक्षक सिद्धांत से आप क्या समझते हो, O2 अणु के आणविक ऑर्बिटल आरेख बनाइए। व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ड्रॉ मॉलिकुलर डायग्राम फॉर O2 मॉलिक्यूल। तो याद कीजिए, मैंने बहुत सारे आरेख बनाए हुए हैं, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ये सब के मैंने आरेख बनाया हुआ है, वो सब आप लोग प्रैक्टिस कर लेना गाइस, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। और यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चन बता रही हूँ ना, एक बार सिलेबस में भी चेक कर लेना कि वो एक्चुअल में है भी कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग तैयारी करना। जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपके बुक में है उसी को पढ़ना, जो क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है गाइस उसको मत पढ़ना। अब चलिए 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, PCl3 में संकरण को समझाइए। देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर में ना संकरण वाला पूरा है, हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन इन PCl3। तो जितना संकरण है, जितना हाइब्रिडाइजेशन है उसको पढ़ के चले जाना, एक ना एक हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में आने वाला है, चाहे वो PCl3 हो चाहे वो PCl5 हो। तो यहाँ पर आपको ये नहीं पूछेंगे
कि sp3 संकरण समझाओ, sp3d संकरण समझाओ, ऐसा नहीं पूछते, हमेशा घुमा के पूछते हैं। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, pcl3 का संकरण समझाओ, मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो pcl3 का मॉलिक्यूल है उसमें किस प्रकार का संकरण पाया जाता है। अगर आपको ये पता होगा तभी आप लोग उसका डायग्राम बना पाओगे। जब तक आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि pcl3 में क्या संकरण पाया जाता है, तब तक आप लोग कैसे बनाओगे। तो टॉपिक को रटने के बजाय आप लोगों को समझना पड़ेगा गाइस, संकरण को शुरू से पढ़ना। मैंने अच्छे से नोट्स बनाया हुआ है, लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा हुआ है, सारे टॉपिक का आप लोग चेक जरूर करना एक बार। अब चलिए 9वें नंबर का मैं आप लोगों को बता रही हूँ, परमाणविक कक्षकों का रेखीय संयोग क्या है, विभिन्न आणविक कक्षाओं का वर्णन करते हुए हाइड्रोजन व हीलियम अणु का बनना समझाइए। मतलब व्हाट इज लाइनर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम मॉलिक्यूल। तो ये जो LCAO मेथड है वो भी मैं बताई हूँ, एक बार ये भी आप लोग देख करके चले चलिए गाइस। 10वें नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फयांस के नियमों को उचित उदाहरण सही समझाइए, डिस्कस फजन रूल गिविंग सुटेबल एग्जांपल। सो गाइस हालांकि इसका मैं नोट्स नहीं बनाई हूँ, बट ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रही हूँ कि एग्जाम के पहले जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो भी चैप्टर छूटे हुए हैं, चैप्टर तो बहुत सारा हो गया हम लोगों का, कुछ कुछ टॉपिक छूटा हुआ है, तो वो सारे टॉपिक मैं कवर करा दूंगी। तो आप लोग टेंशन मत लेना कि ये जो नोट्स है वो बना नहीं है, फजन रूल भी मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूंगी। अब 11वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, बॉर्न नेहबर चक्र को उदाहरण सही समझाइए, एक्सप्लेन बॉर्न नेहबर साइकिल गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। तो बॉर्न नेहबर चक्र मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है गाइस, इस चैप्टर से हर चीज़ छोड़ देना, लेकिन बॉर्न नेहबर चक्र मत छोड़ना, क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। 12वें नंबर का देखिए, जालक दोष लैटिस डिफेक्ट, याद कीजिए बहुत सारे डिफेक्ट है, शॉर्ट की फ्रेंकल, जितना दोष है उसमें से मैं कोई गारंटी नहीं कौन सा आने वाला है, बट एक ना एक क्रिस्टल डिफेक्ट आने ही वाला है आपके एग्जाम में, चाहे वो शॉर्ट की हो चाहे वो फ्रेंकल हो, जो भी त्रुटियां हैं, क्रिस्टल दोष त्रुटि वगैरह कुछ कुछ है ना आपके बुक में, वो पूरा पढ़ के चले जाना, अच्छे से पढ़ लेना, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 13वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जालक ऊर्जा किसे कहते हैं, जालक ऊर्जा को कैसे परिकलित किया जाता है, व्हाट इज लैटिस एनर्जी, हाउ इज लैटिस एनर्जी डिटरमाइंड। तो लैटिस एनर्जी इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बॉर्न नेहबर चक्र अगर आप लोग समझ गए तो जालक ऊर्जा आप लोग आसानी से समझ जाओगे। अब चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, AB प्रकार मतलब AB प्रकार की सामान्य क्रिस्टल संरचना की व्याख्या कीजिए जिसकी समन्वय संख्या 6:6 है, डिस्कस द सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ AB टाइप विथ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6:6। मतलब यहाँ पे देखो, जो बहुत सारा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होगा आप लोगों के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखना, NaCl है, KCl है और भी बहुत सारे वो है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो NaCl का डायग्राम है। क्रिस्टल की संरचना मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको बनाना बताया हुआ है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, सारे नोट्स आप लोग देखो एक बार, अगर आप लोग नोट्स को देखोगे ना तो खुश हो जाओगे, बहुत जल्दी आप लोगों को याद हो जाएगा, एग्ज़ाम का टाइम है, ज़्यादा बुक पढ़ने का समय नहीं है, तो इम्पॉर्टेंट मैंने नोट्स बनाया हुआ है गाइस, आप लोग चेक ज़रूर करना। तो ये तो हुआ 14 नंबर का क्वेश्चन, अब चलिए हम लोग और भी क्वेश्चन जल्दी से देख लें। नंबर का क्वेश्चन है, बंधी एवं विपरीत बंधी अणु कक्षक क्या है, अंतर बताइए, व्हाट आर बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, एक्सप्लेन डिफरेंस। अब देखो डिफरेंस बिटवीन आता है, अंतर स्पष्ट करो आता है, चाहे वो सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच अंतर हो, चाहे बंधी विपरीत अबंधी के बीच अंतर हो, कोई ना कोई अंतर आएगा ही आएगा, एक ना एक डिफरेंस बिटवीन हर साल एग्जाम में आता है, तो देख लेना गाइस आप लोग, बंधी अबंधी मतलब ये सब किसका है, आणविक कक्षा सिद्धांत का ही है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में ही है ना ये सब, तो दोनों में अंतर देख लेना। 16वें नंबर का देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट का मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, सिलिकेटों से आप क्या समझते हैं, इसकी संरचना को समझाते हुए इनका वर्गीकरण कीजिए। पी ब्लॉक एलिमेंट से सिलिकेट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट डू यू मीन बाय सिलिकेट्स, गिव द क्लासिफिकेशन डिस्कसिंग देयर स्ट्रक्चर। अब चलिए 17वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पूरा मैं टोटल 30 क्वेश्चन बता रही हूँ गाइस, मेरा यकीन मानिए 30 क्वेश्चन अगर आप लोग याद कर लिए इस वन मंथ में, अगर 30 क्वेश्चन पढ़ लिए, निश्चित मेरी गारंटी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका नहीं बिगड़ेगा, ये मेरी गारंटी। मैं 2 से 3 साल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो बनाती हूँ, और खासकर इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा फंसते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग और क्या क्या है, फुलेरिन क्या है, इसकी संरचना ये हमारा हो गया, वाटर फुलेरिन सो इट्स स्ट्रक्चर।
अब 18वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, अकार्बनिक बेंजीन पर विस्तृत जानकारी दीजिए, गिव अ डिटेल नोट्स ऑन इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो जब मैं पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा रही थी ना, तो इनऑर्गेनिक बेंजीन मेरे से छूट गया है, बोराजिल बोलते हैं, तो वो भी मैं जल्दी से बता दूंगी बोराजिल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब 19वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, विकर्ण संबंध से आप क्या समझते हो, आपको पता ही है डायगोनल रिलेशनशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट डू यू मीन बाय डायगोनल रिलेशनशिप? तो डायगोनल रिलेशनशिप में मैंने अपने चैनल में कम से कम 3 से 4 एग्जाम्पल देकर के आप लोगों को बताया हुआ है, तो कोई ना कोई एक एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आएगा, तो डायगोनल रिलेशनशिप आप लोग अच्छे से देख लेना। लेकिन 20वें नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, त्रिज्या अनुपात नियम क्या है, इसके महत्व एवं सीमाओं को समझाइए। व्हाट इज रेडियस रेशियो रूल, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, तो देख लेना एक बार आप लोग। 21वें नंबर का क्वेश्चन जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट का है, हमारे जैविक तंत्र में एस ब्लॉक के कौन कौन से तत्व उपयोगी है, विच ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट आर यूजफुल इन अवर बायो सिस्टम, तो नोट्स मैंने इजी तरीके से बनाया हुए, देख लेना, सारे टॉपिक के आंसर आपको मिल जाएंगे। 22वें नंबर का क्वेश्चन है, HCF4 एवं HCOF4 की संरचना को समझाइए, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ HCF4 एंड HCOF4, तो ये जो क्वेश्चन है आपके नोबल गैस वाला का है, जिनॉन वाला, तो जिनॉन वाला अगर मैं नहीं बताई हूँ तो वो भी जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसका नोट्स बना सकूँ। ये क्वेश्चन भी जिनॉन वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत पूछे जाते हैं नोबल गैसेस चैप्टर से। अब चलिए आगे और देखते हैं, इस 23वें नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एस ब्लॉक तत्वों की संकुलन प्रवृत्ति को समझाइए, एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्सन टेंडेंसी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। 24वें नंबर का क्वेश्चन है, लिथियम की विलायकन प्रवृत्ति को समझाइए, एक्सप्लेन द सॉल्वेशन टेंडेंसी ऑफ लिथियम, सब देख लेना गाइस, मैं पूरा बता चुकी हूँ। 25वें नंबर का क्वेश्चन है, अंतर हैलोजन यौगिकों की संरचना का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। 26वें नंबर का क्वेश्चन है, बंद ऊर्जा एवं बंद वियोजन ऊर्जा में क्या अंतर है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डिस्कस द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट्स, तो ये तो हुआ 26वें नंबर का क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग 3-4 टॉपिक और देख लेते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन, पीपी अतिव्यापन क्या है, उन्हें समझाते हुए सिग्मा और पाई बॉन्ड में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज पीपी ओवरलैपिंग, बाय एक्सप्लेनिंग देम क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे देखो अतिव्यापन पूछा गया है, SP अतिव्यापन, PP अतिव्यापन, बहुत सारे ओवरलैपिंग में बताई हूँ, तो इसमें डिफरेंस बिटवीन पूछा गया है, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच क्या क्या अंतर होता है, तो देख लेना गाइस आप लोग एक बार। डाइबोरेन की संरचना व गुण लिखिए, राइट स्ट्रक्चर ऑफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन, तो ये सारे क्वेश्चन आपके पी ब्लॉक एलिमेंट के हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन देखें, CH4, NH3 व H2O तीनों में केंद्रीय परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है, किंतु इनके आबंध कोण व ज्यामिति में अंतर होता है, कारण स्पष्ट कीजिए। द सेंट्रल एटम ऑफ CH4, NH3 एंड H2O आर sp3 हाइब्रिड्स, बट द जियोमेट्री एंड बॉन्ड एंगल ऑफ दिस मॉलिक्यूल आर डिफरेंट, एक्सप्लेन द रीजन, तो ये है 29 नंबर का क्वेश्चन। अब चलिए मैं लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता, लास्ट क्वेश्चन है गाइस, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है, व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, तो ये तो हुआ गाइस टोटल 30 क्वेश्चन, और इन 30 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, ये सारे क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टॉपिक को याद करने से पहले अपना सिलेबस जरूर चेक कर लेना, आपकी बुक में टॉपिक है कि नहीं है, जो टॉपिक आपके बुक में है वो आप लोग अच्छे से पढ़ के चले जाना। तो ये तो था गाइस बीएससी फर्स्ट ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम हम लोग ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, सबका वीडियो आपको मेरे चैनल में ही मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।